केवलारी विधानसभा के अंतर्गत आने वाला भीमगढ़ गांव का पुल पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। पुल के आधे खंभे भी खड़े हैं। स्थानियों की माने तो आने जाने में जान जोखिम में डालनी पड़ती है। यहां कभी एम्बुलेंस फंस जाती है तो कभी बाइक। दरअसल 3 साल पहले बैनगंगा नदी पर बना करोड़ों का पुल एशिया के सबसे बड़े बांध का गेट खुलते ही तेज पानी की धारा में बह गया और निर्माणाधीन कंपनी समेत विभागीय अधिकारियों की पोल खुल गई। आपको बता दें कि यहाँ पुल का नहीं होना 100 गांव को मुख्य धारा से दूर कर देता है। ये नदी में बहुत बड़ी दिक्कत है। हो सके तो बहुत जल्दी जल्दी सरकार से हम यही मिन्नतें करेंगे, ये पुल बहुत जल्दी बन जाए तो अच्छी बात। ये खड़ी 108 नंबर, इसको पार करना है। कितनी दिक्कत हो रही है, कौन सा केस है कौन सा नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। करीब करीब 3 साल हो गए सर इस समस्या। कभी कभी बहुत अड़चन जाता है, एम्बुलेंस आती जाती है, जाती है वहाँ तक, और जो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी बड़ा तकलीफ झेलना पड़ रहा है। मैं पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे पढ़ाने जाती हूँ, तो ये पुल लग के जाना पड़ता है, क्योंकि जब से पुल टूटा है तो बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। गाड़ी क्रॉस नहीं होती है, और 2-3 लोगों का सपोर्ट लगता है तब गाड़ी जो है वो आगे जा पाती है। साथ ही इस तरीके की बहुत सारी समस्याओं का हमको यहाँ सामना करना पड़ता है।